And that 3 terms are in front of you. That is what we call assets, liabilities, and capital. If I draw this balance, then the total of capital and liability I will be putting on one side, and on the another side I will be writing total assets. So dono ka weight barabar hota hai. So that's why it's in balance, and we call it is in equilibrium position. मैथ्स की अगर टर्म यूज करो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा. एंड इन आर अकाउंटेंसी वी कॉल इट अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट? देन अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद. इधर टोटल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये ओवरऑल के साथ है. सेकेंड वाला मैं करवाती हूँ हमेशा. कैपिटल इज इक्वल टू ए माइनस एल, और आई राइट ए माइनस एल इज इक्वल टू कैपिटल, जैसे मर्जी लिख लो. पहली दो इक्वेशन के बारे में सबको पता. कैन वी राइट इट लाइक दिस वे ऑल्सो? ये देखो L को इधर रहने दूं और C उधर जाके माइनस कर दूं, मतलब टोटल एसेट्स में से अगर मैं प्रोप्राइटर की कैपिटल माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो मेरे लायबिलिटीज हैं भाई. यू आर गेटिंग मी? सो L इज इक्वल टू A माइनस C भी बन सकती है अकाउंटिंग इक्वेशन. दिस ही कैन आल्सो पुट इन द पेपर. ठीक है, कोई एक गलत, तीन सही डाल के कोई एक गलत डालेगा और बोलेगा विच वन इज इनकरेक्ट. यू हैव टू चूज, और ये सारा कुछ आपके माइंड में होना चाहिए. और अगर आपको एक इक्वेशन याद है तो आप वहां पे फॉर्म कर सकते हो ना. कैलकुलेशन भी करनी है, सिर्फ ये नहीं है कि थ्योरी का है. दे विल बी प्रोवाइडिंग यू अ सप्लीमेंट्री शीट और यू विल डिमांड इट, बिकॉज फ्यू क्वेश्चंस यू मे फाइंड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड. न्यूमेरिकल्स भी तो डालने हैं मैंने, बेसिकली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है भाई. गेटिंग इट? अगला जरा देखो, रिलेशन आपको समझ आता है. एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज और टोटल इक्विटी. एक नई टर्मिनोलॉजी है. टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या है? Liabilities towards the outsider and liability towards the proprietor. That is what we call total liability, or we call it total equity. Equity is again a term which we use interchangeably in place of total liabilities. ठीक है? अब और एक बात और मैं elaborate करती हूँ. Total equity is equal to external equity plus owner's equity. Will you agree with this addition? External equity means outsider's funds, or ya to bahar wale logo ka paisa laga hai bhai, ya mere proprietor ka laga hai. Mera proprietor to lagata hi capital ki form mein hai. Maine bank se loan liya ho sakta hai, maine creditor se udhar pe samaan kharida ho sakta hai. So my external equities can further be of two types. One is what short term and other is what long term. If I took the loan from the bank for 5 years, that is my long term equity. If I purchase the goods from my creditor and the credit period is only of 2 months, that is my short term equity. ठीक है, तो एक नई टर्म आपको सीखने को मिल रही है, that is equity. फिर अगला तो पता चली गया क्योंकि मैंने बता ही दिया. टोटल एसेट इज इक्वल टू, ये लिखे मैंने टोटल एसेट किसके बराबर है? इंटरनल लाइबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी. व्हाट इज द एग्जांपल? ओनली वन एग्जांपल इज हियर ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी. एग्जाम्पलीफाई इट. इंटरनल लाइबिलिटी इज यस कैपिटल, प्रोप्राइटर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी. ठीक है, कैपिटल का और क्या नाम है? प्रोप्राइटर्स इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड्स इवन वी कैन कॉल इट. ठीक है, जो मेरे प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया वो कैपिटल है, एंड दैट इज टू बी नेम्ड एज ओनर्स इक्विटी, और दैट इज टू बी नेम्ड एज इंटरनल फंड्स, और दैट इज टू बी नेम्ड एज इंटरनल लायबिलिटी. सो दिस वॉज द बेसिक अबाउट योर अकाउंटिंग इक्वेशन. पांचों इक्वेशन करेक्ट है. कोई इनकरेक्ट इक्वेशन बनाना, कोई इनकरेक्ट इक्वेशन बनाना. अगर मैं लिखूं कैपिटल प्लस एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, इज इट करेक्ट? कैपिटल प्लस एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, यस. तो ही कैन पुट इट. इन दैट केस यू विल बी टिकिंग ऑन दैट, यू विल बी मार्किंग टिक ऑन दैट इफ ही इज आस्किंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. व्हाट आई टोल्ड यू, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल. एसेट और कैपिटल का आपस में कोई मैच ही नहीं है भाई. एसेट किसी दूसरी साइड पे आते हैं, कैपिटल में ऐड करके लाइबिलिटी थोड़ा ना बनेंगे. यू आर गेटिंग मी? लाइबिलिटी में कैपिटल ऐड करो तो एसेट बनते हैं. लाइबिलिटी में कैपिटल ऐड करो तो बनते हैं ना, ठीक है ना? एसेट में कैपिटल ऐड करो तो लाइबिलिटी नहीं बनती. यू आर गेटिंग मी? सो दैट ऑल इक्वेशंस विल रन इनटू योर माइंड एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हिच इज करेक्ट एंड व्हिच इज इनकरेक्ट. गॉट इट? ऑल द 5 पॉइंट्स आर क्लियर? लेट्स सी. Tell me any one transaction which will not affect my accounting equation. Any one transaction which will not affect my accounting equation means accounting equation will remain same. Asset will remain same, liabilities will remain same, capital will remain same.
Yes, interest on capital as well as interest on drawing, because both are to be added and deducted from capital only. Capital mein plus, capital mein minus, capital is same. Assets and liabilities both are intact. So these are the two examples only, which are not going to affect my accounting equation at all. Okay, let's discuss few points. Paid wages in advance, how will it be affected? Paid wages in advance. Paid wages in advance. Asset mein plus hoga? Galat hai. Paid wages in advance. You know wages in advance ka dusra naam prepaid wages hai. Bolo aap. This is also not going to affect my accounting equation. Do you know? कैश क्या हो जाएगा कम और वेजेस प्रीपेड विल बी माय करंट एसेट ना एक एसेट क्रिएट हुआ दूसरा कम हुआ नो चेंज एट ऑल आप कैसे लायबिलिटी बना रहे हो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज माय करंट एसेट्स एक नया एसेट क्रिएट हो गया जितनी से पेमेंट करी है उतना कैश कम कर दो ना आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेड कुणाल विल टेक आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेड ओके डन लायबिलिटी कम हो जाएगी बिल्कुल ठीक है लायबिलिटी कम होगी कैश भी कम होगा एसेट भी कम हुआ लाइबिलिटी भी कम हुई सो नो इफेक्ट मतलब ओवरऑल इक्वेशन विल रिमेन सेम नो इफेक्ट तो नहीं है लाइबिलिटी कम्स डाउन एसेट्स कम्स डाउन राइट एक क्वेश्चन लिखो ओनर्स इक्विटी कैलकुलेशन बेस्ड है ओनर्स इक्विटी इन द बिगिनिंग इज ओनर्स इक्विटी इन द बिगिनिंग इज रुपीज 1 लाख गर्व इस लाइन को सिंप्लीफाई करो Owner's equity in the beginning is rupees 1 lakh. Simplified term में इसे क्या बोलेंगे? Yes, हम बोलेंगे capital in the beginning is 1 lakh. ठीक है? Owner's equity means capital. और capital introduced in the business rupees 1 lakh. होता है ना ये line? So this is what he means. Profit for the year is 30,000. Why are you not writing? You have to solve it. Aryan, profit for the year is 30,000. Profit for the year is 30,000. Drawings during the year, rupees 10,000. Drawings during the year, rupees 10,000. Creditors equity at the end is 40,000. Dipanshu, simple term mein creditors equity means. वैसे तो इसको creditors equity नहीं लिखना चाहिए था. इसको लिखना चाहिए था outsiders equity है ना? या external equity. तो creditors equity means. Creditors equity means creditor only. He should write rather outsiders equity. Outsiders equity means our liabilities, right? To externals. So that is 40,000. Creditors equity at the end is 40,000. Calculate total equity at the end of the year. Calculate total equity at the end of the year. Harshika, what is the formula of total equity? Bache? Abhi bola maine. What is the formula of total equity? I'm going to erase it. What you understand with this term? अगर फॉर्मूला आता होगा तभी तो उसे कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल ठीक है जी एक्सटर्नल इक्विटी प्लस इंटरनल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल इक्विटी एम आई राइट एक्सटर्नल इक्विटी प्लस इंटरनल इक्विटी इंटरनल इक्विटी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है कैपिटल एंड वन थिंग आई शुड गिव यू एज अ हिंट इंटरनल Equity, what you have to take here, you have to take the closing capital. He is giving you in the question opening capital. He is giving you the detail of drawings. He is giving you the profit. You will be calculating. Ma'am, I discussed with them all.
नहीं सुना, तू बता क्या बता, मैं नहीं बताऊंगा। गर्ल मैंने पेपर से रिलेटेड क्या बात करी है? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू विल फाइंड 45 क्वेश्चंस इन द पेपर ऑफ अकाउंटेंसी। यू आर सपोज टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो दिस टाइम इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ वन मार्क, इट्स गोइंग टू बी 0.88 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन की वेट 0.88 है। और आसान तरीका क्या है, जितने आपके करेक्ट होंगे वो पहले 45 में से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 45 में से आपके 40 करेक्ट है, 40 डिवाइडेड बाय 45 I will be converting into 40, that's it. ठीक है, करो कितना बनता है डेसिमल में कैलकुलेट करके बता देती हूँ। 9 5 सा 9 3 सा 27, 5 आगे बोलो 9 5 सा आगे बस 34, 40 में से 34 है। मान लो 0.5 है तो 34.5 ही बोलूंगी, मान लो 34.2 है तो 34 बोलूंगी, मान लो 34.7 आता है तो 35 में बढ़ा देने। सिंपल मैथ्स का फंडा, 0.5 तक उतना ही रहना है, 0.5 से बढ़ेगा तो एक डेसिमल बढ़ जाएगा, दैट्स इट। वी विल बी डिस्क्लोजिंग द कन्वर्टेड मार्क्स टू यू, दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ प्लस टू। जैसे 9th में हम 10th का पैटर्न फॉलो करते हैं तो 11th में हम लोग 12th का पैटर्न फॉलो करते हैं। So we were waiting for the sample papers of plus two. Few days back they released the sample papers and they put the questions, number of questions more. ठीक है, और clarify भी कर दिया कि decimals में है, हर question की weightage, there is no negative marking, all the questions are compulsory for you. And one thing more, because in our 12th class we are having three books of accountancy and they bifurcate that questions. Otherwise book wise कोई bifurcation नहीं करी उसने, लेकिन उसने paper को तीन parts में divide किया, section A, section B, section C. So same criteria I will be following here. Otherwise there will be no demarcation at all. Section A में हो सकता है थोड़े से simple MCQs रहे, section B में आपको assertion reason के मिलेंगे, और section C specifically meant for case studies. ठीक है, तो section A में आपके 15 है, B में भी 15 है, C में भी 15 question accountancy के, और vision studies वैसे मैं बता देंगे 20 20 plus 10 है। सेक्शन ए में 20 है, बी में 20 है और सी में 10 है, तो वहां पे आपके 50 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरली टू बी अटेम्प्टेड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। और वहां पे 0.8 पर क्वेश्चन वेटेज है, बस इतना सही है। मैथ्स वाले टीचर भी बता देंगे, शायद उनके भी 45 ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके 50 है, मैम ने बता दिया, बस ठीक है। कंप्यूटर के कितने हैं? कंप्यूटर के शायद 45 है, क्योंकि वो सर शायद कह रहे थे अकाउंट्स की तरह ही है। ठीक है, तो दे विल क्लैरिफाई टू यू, मतलब सीबीएस चाहता है 90 मिनट्स में 45 क्वेश्चन, 2 मिनट्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, पहले 2 मिनट से ज्यादा मिनट मिल रहे थे आपको, यहाँ पे अब 2 मिनट्स ईच क्वेश्चन, और कई मिनट्स तो कई क्वेश्चन तो सेकंड्स में सॉल्व होंगे, न्यूमेरिकल्स को ही टाइम लगना। ठीक है ना, हैड यू बीन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ थॉरली देन इट विल नॉट टेक मच टाइम। सो इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर यू, हमारे लिए भी आपका आउटकम एक चैलेंज रहेगा कि कितना हम आपको तैयार कर पाए एमसीक्यूज के लिए। तो यू विल नॉट बी लीविंग द न्यूमेरिकल पोर्शन असाइड, यू हैव टू प्रिपेयर इट थॉरली। किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन में से कोई भी एक छोटा सा पॉइंट क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। जैसे अभी वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। सो शी वॉज टेलिंग मी टोटल इक्विटी इज इक्वल टू इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी। ठीक है, अब एक्सटर्नल इक्विटी इज योर क्रेडिटर्स, इंटरनल इक्विटी यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल यू हैव टू कैलकुलेट। How closing capital we used to calculate in our accounting equation, you tell. Opening capital, मतलब opening equity 1 lakh लगाया। Okay, drawings we deduct or we add? Drawings are always to be deducted from the capital, Himanshu, ठीक है? Drawings कितनी minus करनी है? 10,000. It comes to me 90. What is the profit? Add कर दिया. So closing equity we got internal equity 1,20,000. What are my external equities? 30,000, 1.5 lakh answer है। 40 है, 40 plus 120, 160 है then answer. Done, वही है। He will be putting you the options. ठीक है, तो 160 के ऊपर आपने टिक लगानी है। This question can be asked. Done, हमारी बुक में भी है, लेकिन उसने थोड़ा सा नाम यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा है। Otherwise such type of questions are there. Similarly, इस question में से profit he can ask, like closing capital he may give you. So profit can be the missing value. Even the drawings can also be the missing value. In that case, he will be giving you the profit. He will be giving you the closing capital.
राइट, तो रिवर्स चल जाएंगे, प्रॉफिट को एक्स मान लेना या पी मान लेना, और इसी इक्वेशन में एड लेस करके यू हैव टू कैलकुलेट, मतलब ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, दिस इज मिसिंग, तो कांट यू कैलकुलेट, रहनी तो इक्वेशन वही है, यहाँ पे ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, लास्ट वाली मैंने कैलकुलेट करी, अब लास्ट वाली गिवन है ये मिसिंग है, लास्ट वाली गिवन है, सेकंड लास्ट गिवन है, ड्रॉइंग्स मिसिंग है, तो यू कैन कैलकुलेट, राइट, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हाउ विल यू ट्रीट इट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हाउ विल यू ट्रीट इट. हाँ जी बेटे, एक और, क्या बच्चे, ये वाला क्वेश्चन, ओपनिंग इक्विटी में ड्रॉइंग्स माइनस होती हैं और जो पोर्शन आता है उसमें प्रॉफिट ऐड होता है, अगर मान लो लॉस हो क्वेश्चन में तो लॉस माइनस होता है, प्रॉफिट 30 मैंने ऐड किया बेटे, प्रॉफिट इज टू बी एडेड एंड ड्रॉइंग्स आर टू बी डिडक्टेड इन ओपनिंग कैपिटल, व्हाई आई एम डूइंग सो, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, मतलब साल के एंड में कैपिटल कितनी थी, सिंपल सा फंडा है, साल के शुरू में आपने 1 लाख लगाया, 10,000 निकलवा लिया तो माइनस हो गया, आर्यन व्हाट आई एम स्पीकिंग नाउ ट्राई टू गेट इट, साल के बिगिनिंग में प्रोप्राइटर ने 1 लाख लगाया भाई, ठीक है 10,000 निकलवा लिया, 90 रह गया, साल के एंड में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट भी तो उसी की पॉकेट में जाना है, मींस कैपिटल बढ़ गई, अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाती है हमें यही है कि प्रॉफिट इज टू बी एडेड टू द कैपिटल, यू आर गेटिंग मी, डन, सो प्रॉफिट वी नीड टू ऐड, सो साल के एंड में आपके पॉकेट में अब 1,20,000, दिस इज व्हाट वी कॉल क्लोजिंग इक्विटी, क्लोजिंग इक्विटी बिकम्स आर इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी आपको क्रेडिटर्स की फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, दोनों को ऐड करो तो आपकी टोटल इक्विटी आ जाएगी, दिस इज व्हाट ही हैज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, हाउ विल यू ट्रीट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, चलो जी राजीत, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, चलो मोहित आप बोलो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जर्नल एंट्री बोलो तो पता चलेगा, अब तो जर्नल एंट्री कर ली, ये वो टाइम था जब जर्नल एंट्री हम लोगों ने नहीं करी हुई थी और हम ये चैप्टर कर रहे थे, है ना, अब तो जर्नल एंट्री कर ली है, नाउ तो यू कैन पास द जर्नल एंट्रीज एंड यू कैन सी इट्स इफेक्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मोहित जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री फॉर इट, बोलने दो, नहीं आता, अरे ना बोलो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जर्नल एंट्री, गलत बोलो, पूरा बिल्कुल ठीक है, कैश अकाउंट नॉट ओनली कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ओके दीपक व्हाट इज द डिफरेंस, अगर वो कहता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन और मैं कहती हूँ कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों में कमीशन की नेचर चेंज है, अगर वो कहता है कमीशन अकेला क्रेडिट करो तो वो कमीशन को क्या मान रहा है, मैं कहती हूँ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट करो तो मैं क्या मान रही हूँ उसे, एनीबडी कैन टेल व्हाट इज द डिफरेंस, किसको कौन सी एंट्री में एसेट है, वाओ कमीशन एसेट है, कमीशन इज आवर इनकम, नॉमिनल अकाउंट फॉलो कर रहा है पूरा, जब वो एंट्री को गलत बोल रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन ओनली, ऑल इनकम्स आर टू बी क्रेडिटेड, मैं कहती हूँ क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव इन एडवांस, मैं लायबिलिटी मान रही हूँ, है लायबिलिटी, एनी इनकम यू रिसीव इन एडवांस दैट इज योर लायबिलिटी एंड ऑल लायबिलिटीज आर बीइंग क्रेडिटेड, वहां पे गोल्डन रूल नहीं है, हाँ तो लायबिलिटी है, तो आई एम राइट ना, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज टू बी क्रेडिटेड, दीपक मेरे को इसका इफेक्ट बताना है आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पे, सो एंट्री व्हाट आई टोल्ड दैट इज राइट, बिल्कुल ठीक है, कैश बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, कैश भी बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछता है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दैट ट्रांजैक्शन व्हिच इंक्रीजेस द एसेट एज वेल एज लायबिलिटी, सो ही कैन पुट वन एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट आवर एसेट एंड लायबिलिटी, तीन ट्रांजैक्शन वो ऐसे डालेगा जो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को चेंज करेंगे, एक वो ऐसे डालेगा जो नहीं चेंज करेगा, तो रिवर्स क्वेश्चन मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन को मोल्ड भी कर सकता है, सारी एग्जांपल्स आपके माइंड में होनी चाहिए, आगे चलते हैं, चलो ट्रू फॉल्स, क्योंकि इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन एजर्शन रीजन बन सकते हैं, इफ सम पर्सनल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द बिजनेसमैन द अकाउंटिंग इक्वेशन इज डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मींस गेट चेंज्ड, ट्रू और फॉल्स आपने बताना है, इफ पर्सनल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द प्रोप्राइटर द अकाउंटिंग इक्वेशन गेट्स डिस्टर्ब, ट्रू है,
इसने फॉल्स लिखा, क्या लाइन का मतलब है? इफ पर्सनल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द बिजनेसमैन, यहां पे डिस्टर्ब का मतलब है कि दोनों साइड मैच नहीं करेंगे, यहां पे डिस्टर्ब का मतलब ये है, ठीक है? तो फॉल्स है, दोनों साइड मैच करेंगी, डिस्टर्ब, हाँ कैश माइनस होगा उधर से, कैपिटल में से माइनस होगा, इक्वेशन डिस्टर्ब तो नहीं होगी, इक्वेशन इक्वेशन ही रहेगी ना, ठीक है? इसका मतलब है कि इट विल बी लाइक दिस, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, डिस्टर्ब का मतलब इसका ये है, ठीक है? तो इट इज फॉल्स ना, अकाउंटिंग इक्वेशन विल नॉट गेट डिस्टर्ब, देन इट इज ट्रू, गेटिंग इट? सो ट्राई टू गेट द वर्डिंग। हाँ जी बोलो। मैंने ट्रू फॉल्स डालना ही नहीं, मैं मैचिंग के साथ ऐसा क्वेश्चन डालूंगी या assertion reason का डालूंगी? हाँ, पहली पहली तीन जो मैंने लिखी थी वो हो ही जाती हैं चेंज, मतलब एक अगर आपको याद है a माइनस l इज इक्वल टू c, तो आप घुमा फिरा के एसेट को उधर ले आओ, लाइबिलिटीज को इधर रख लो, तो तीन तो आपको आसानी से बन जाती है, और चौथी है ही बहुत ईजी, क्या टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी को आगे बाइफरकेट कर दिया, इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी, ठीक है? परचेज ऑफ एसेट्स, लिखो परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ रुपीज 20,000, परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ रुपीज 20,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 4,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 4,000, परचेज ऑफ एसेट्स रुपीज 20,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 4,000, देन द कैपिटल विल बी 15,000. Is it true or false? Then the capital will be 15,000. What will be the capital? Yes. A minus L is equal to C. Capital is going to be 16,000. Claim of outsiders against business is called capital. पहले आपने मेरे को इस लाइन का मतलब बताना. Claims of outsiders against business is called capital. If it is false, correct it. Correct कैसे होता? True कैसे होता? क्या change करते? The claims of outsiders against the business is called capital. Is what? Capital को replace करो. Capital को replace करो. Yes, liability. Or external equity. ठीक है? Outsiders का claim मेरे business की तरफ है, तो वो क्या है? Liabilities हैं. अगर और इसको rectify कैसे कर सकते हैं? Claim of proprietors against business is called capital. फिर ठीक होता है ना? Internal liability capital होती है ना? समझ आ रही है आपको बात? इन एनी वे ही मे चेंज इट विद द बोरोइंग्स मेड बाय बिजनेस, इट्स कैपिटल विल डिक्रीज विद द बोरोइंग्स मेड बाय बिजनेस, इट्स कैपिटल विल डिक्रीज, ट्रू और फॉल्स? विद बोरोइंग्स मेड बाय बिजनेस इट्स कैपिटल विल डिक्रीज, कैपिटल पे तो फर्क नहीं पड़ता बोरोइंग्स का, फर्क किस पे पड़ता है? बोरोइंग का मतलब आपने लोन लिया, या तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, कैश का बढ़ेगा और लाइबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल को क्या फर्क पड़ना? So it is false. With the borrowings made by business, capital will decrease. It is false. आपने double effect देखना भाई. अब journal entry आपने कर ली है. Borrowing कोई भी example mind में लेके आओ. अगर firm loan ले तो borrowing है. ठीक है? Bank से loan लिया तो bank का balance बढ़ा, means asset बढ़ा. और second क्या बढ़ा? मेरी liability बढ़ी. Capital remains unaffected भाई. हाँ इसको correct करो. Borrowings made by business will keep my capital unaffected. Then it is true. Right? So like that way you need to analyze it. Got it? आगे चलते हैं. Outstanding expenses decrease the liabilities of the firm. Outstanding expenses decrease the liabilities of the firm. हाँ तो false है. ठीक है? इसने increase लिखा था, मैंने decrease बोल दिया. Prepaid expenses will increase the assets of the business. True. With regard to accounting equation, आप मोबाइल लेके बैठे रहो. Since long you are reading what is happening and what notifications your mobile is having, है ना? और मैंने कब से देखा? और मैंने इग्नोर किया है. Prepaid expenses will increase current assets with regard to accounting equation. मैंने जो बोला वो सुनो. Prepaid expenses will decrease the current assets with regard to accounting equation. हाँ क्या होगा? करेक्ट करो.
बिल्कुल ठीक है, अभी तो सिखाया एक एसेट बढ़ेगा करंट एसेट, दूसरा कम होगा, नो इफेक्ट ऑन द एसेट्स ना। एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट बढ़ा और साथ में कैश का आउटफ्लो भी तो हुआ, इट विल रिमेन माय और माय एसेट्स विल रिमेन इंटैक्ट, मतलब एक से रहेंगे, पहले जैसे ही रहे। आई एम टॉकिंग विद रिगार्ड टू द टोटल ऑफ द एसेट्स भाई, तो एसेट्स विल रिमेन सेम ना, ग्रैंड टोटल ऑफ द एसेट्स विल रिमेन सेम, गेटिंग इट? अब आपकी तरफ से कोई डाउट है यू कैन आस्क, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क। अकॉर्डिंग टू डबल इंट्री सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डैश एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज डैश, अकॉर्डिंग टू डबल इंट्री सिस्टम वन एस्पेक्ट इज टू बी डैश एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज टू बी डैश। यस, अब टू भी मैंने बोल दिया तो डेबिटेड एंड क्रेडिट, ठीक है। If creditors' equity is equal to outsiders' liabilities, then owner's equity is to dash is equal to dash. If creditors' equity is equal to outsiders' liability, then owner's equity is equal to, मतलब उसका दूसरा नाम capital या internal, ठीक है जी। उसने इसको बोला fourth का capital, simple भाषा में outside liability उधर बोला, ठीक है। किसको? creditors' equity outsider liability कहते हैं, तो owner's equity को capital कहते हैं, ठीक है। ये मैचिंग में आ सकता है सर। चलिए जी, दैट इज एनफ फ्रॉम माय साइड, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज़ टेस्ट।